नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सृजन। माँ खादी की चादर दे दे, मैं गांधी बन जाऊं, सब मित्रों के बीच बैठकर रघुपति राघव गाऊं, कुछ याद आया आपको? जी हाँ, आज हम आपको दिखाएंगे खादी की कहानी, जिसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने आजादी की लड़ाई में हथियार की तरह उपयोग किया। आज खादी के कपड़े लोगों को लुभा रहे हैं, खादी बड़ा व्यवसाय बन रही है, जिससे खादी के कारोबार से जुड़े लोगों तक रोजगार भी पहुंच रहा है। मध्य प्रदेश खादी ग्राम उद्योग बोर्ड ने गांधी जयंती के अवसर पर राजधानी भोपाल में भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें खादी से जुड़ी तमाम जानकारियां दी गई। मध्य प्रदेश खादी ग्राम उद्योग बोर्ड ने गांधी जयंती के अवसर पर भोपाल से एक नए सफर की शुरुआत की। मौका था खादी ग्राम उद्योग बोर्ड के नए एम्पोरियम के उद्घाटन का। केंद्र और राज्य सरकार की रोजगार मूलक योजनाओं की जानकारी भी यहां दी गई। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन, माननीय मुख्यमंत्री के नाम पे मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और आर्थिक कल्याण योजना, उन योजनाओं में हम पूरे प्रदेश के लोगों को आर्थिक सहायता देते हैं, वित्तीय सहायता देते हैं, अनुदान के रूप में और लोन के रूप में। उस लोन से आदमी अब आत्मनिर्भर हो सके, स्वरोजगार स्थापित कर सके, वो लक्ष्य है। खादी ग्राम उद्योग बोर्ड क्या है, तो इस बोर्ड का काम भी आपको आदरणीय हमारी MD मैडम ने बताया कि गांव में ही जो बेरोजगार नौजवान होते हैं, उन बेरोजगार नौजवानों को खादी ग्राम उद्योग के माध्यम से हम उनको सब्सिडी उपलब्ध कराते हैं। बैंकों से वो लोन अगर लेते हैं, अपना उद्योग खुद का चालू करना चाहते हैं, तो सरकार उसको खादी ग्राम उद्योग के माध्यम से और वो सब्सिडी उपलब्ध कराती है। स्वदेशी की अलख जगाने के लिए काम कर रहा है मध्य प्रदेश खादी ग्राम उद्योग बोर्ड। ये तस्वीरें तस्दीक कर रही हैं कि लोगों में खादी और स्वदेशी उत्पादों को लेकर जागरूकता और समझ बढ़ रही है। हर स्टॉल पर दिख रहे लोग अपनी पसंद का सामान देख रहे हैं। दरअसल खादी ग्राम उद्योग बोर्ड ने एक नया पड़ाव हासिल किया है एम्पोरियम की शक्ल में। बोर्ड की योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी और आम जनता के सुझाव या शिकायतों के निराकरण के लिए हेलो MD कार्यक्रम की घोषणा भी की गई। अब हम आपको दिखाएंगे सृजन का जीता जागता उदाहरण खादी। शासन प्रशासन कितने कार्यक्रम चला रहा है खादी को जिंदा रखने के लिए, और मध्य प्रदेश खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की इस सफलता के पीछे कितने लोगों का जज्बा और जुनून काम कर रहा है। और आप भी देखिए कि खादी आप तक कैसे पहुंचती है। खादी शब्द नहीं, आत्मा है। आत्मा आत्मसम्मान की, आत्मा स्वाभिमान की। इसमें समाई है देशत्व की भावना। ये प्रतीक है उस संघर्ष की, जिसने खामोशी के साथ सदी का सबसे बड़ा युद्ध जीता। देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ही चरखे को देशवासियों के हाथों में थमाया, जिसकी बदौलत शुरुआत हुई एक ऐतिहासिक क्रांति की। उस समय स्वतंत्रता सेनानियों के दिलो दिमाग में खादी का क्या स्थान था, कितना सम्मान था, इस बात की गवाह है विदेशी कपड़ों की होली, जो बाजारों के नुक्कड़ और चौराहों पर जलाई गई। खादी में सूत की कताई हाथों से होने के कारण दूसरे कपड़ों के मुकाबले शरीर के अनुकूल तो होती ही है, साथ ही इको फ्रेंडली होती है। जब बुनकरों द्वारा हाथ से लूम पर वस्त्र बनाए जाते हैं, उस समय धागों के बीच बीच में जाली नुमा स्थान बन जाता है, जिसमें से हवा वस्त्रों के माध्यम से शरीर को स्पर्श करती है। इसीलिए इसे फैब्रिक दैट ब्रीथ्स भी कहा जाता है। सिंहस्थ नाम है संस्कृति और आस्था के मिलन का। आना तो था 12 साल में, लेकिन तैयारी 6 साल पूर्व से। एक साधना के रूप में की गई इस तैयारी में तन मन धन से समर्पण का रंग भी भरा गया, और यही समर्पण महाआयोजन की सफलता का मूल मंत्र साबित हुआ। आयोजन के लिए मुख्यमंत्री और उनकी प्रशासनिक टीम ने योजनाबद्ध तरीकों से किए अथक प्रयास। परिणाम, दुनिया भर में इस महाआयोजन को पहचान हासिल हुई। जिन 40,000 के करीब लोगों ने 30 दिन दिन रात मेहनत की है, उनको भी मैं बधाई देना चाहता हूं। मैं उज्जैन वासियों का भी हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं। उन्होंने पूरे विश्व का यहां स्वागत किया, सम्मान किया, अपने मेहमान की तरह सम्मान किया, और इसलिए उज्जैन के मध्य प्रदेश के
नागरिक बंधु भी अभिनंदन के बहुत बहुत अधिकारी हैं, उनको भी हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। उज्जैन नगरी धर्म, आध्यात्म और ज्ञान की गंगा से सराबोर हो गई। इस धारा में बहते हुए उज्जैन नगरी पूरे एक मास तक दिन रात जाग कर मानो महाकुंभ के एक एक पल का रसास्वादन करती रही। ये शासन प्रशासन की बेजोड़ व्यवस्था का ही कमाल है। प्राकृतिक आपदा का कहर बरपा, लेकिन मुख्यमंत्री और उनकी पूरी टीम ने सिर्फ 24 घंटों के भीतर व्यवस्था ज्यों की त्यों कर दी। क्या उसी रूप में हम किसानों को खेत वापस करें जिस रूप में हमने उनसे लिए थे? उनने बहुत पुण्य का काम किया है। किसान भाइयों का मैं आभारी हूँ, उनके सहयोग के कारण ही स्वास्थ्य निर्विघ्न संपन्न हो पाया है, सानंद संपन्न हो पाया है। शिप्रा तट पर एक बार फिर जयकारे गूंज उठे और अमृत स्नान की होड़ लग गई। महाकाल का आशीर्वाद पाकर शिप्रा के आंचल में सिमट कर हर कोई अपने पाप धो लेने को आतुर हो उठा। 12 साल के लिए विदा ले चुका है सिंहस्थ, लेकिन इसकी आत्म विभोर कर देने वाली स्मृतियां हर दिल में गहराई से अपना स्थान बना चुकी हैं, जो आगामी सिंहस्थ के आयोजन में भी यथावत ही रहेंगी। अब हम आपको महत्वपूर्ण कड़ी मिट्टी से खादी के बारे में बताएंगे और ये भी दिखाएंगे कि किस तरह खादी का कपड़ा कपास से सूत और सूत से लूम से होता हुआ हमारे पास पहुंचता है। लेकिन ये सफ़र इतना आसान भी नहीं है, इसमें कई लोगों की मेहनत का सामंजस्य होता है। दुनिया भर में हर साल 150 मीट्रिक टन कपास की पैदावार होती है, जिसमें से भारत का स्थान तीसरा है। देश में महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। वहीं सफेद सोना कही जाने वाली कपास का उत्पादन मध्य प्रदेश में 7 लाख हेक्टेयर से भी ज्यादा क्षेत्रों में होता है। खेतों से निकलकर कपास की फसल जिनिंग फैक्ट्री से होते हुए हमारे प्रदेश के एकलौते केंद्र सीहोर के केंद्रीय पुनी संयंत्र खादी और ग्रामोद्योग आयोग केंद्र में एकत्रित की जाती है। यहाँ कपास की सबसे पहले सफाई और धुलाई होने के बाद चरणबद्ध प्रक्रियाओं से होते हुए ऊनी बनाई जाती है, जिसे मध्य प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा खरीदा जाता है। फिर बोर्ड ही इन पुनियों को ग्वालियर, उज्जैन, महेश्वर जिलों में पहुँचाता है, जहाँ से पुनिया कत्तिनों को धागे की लच्छियाँ बनाने के लिए दी जाती है। ये देखिए कितनी तल्लीनता से लच्छियां बना रहे हैं। यहां ऐसे लोग भी हैं जो दिव्यांग होने के कारण बेरोजगारी के श्राप को बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन आज आत्मनिर्भर होने की खुशी, इनके चेहरे की चमक बार बार खादी ग्रामोद्योग बोर्ड और मध्य प्रदेश सरकार को धन्यवाद कर रही है। 5 वर्ष से इसमें संस्था जुड़ी, रेवली काम मिल रहा है, पेमेंट भी अच्छा मिल रहा है, सारी चीज अच्छी मिल रही है। आज 8 स्पिंडल वाले आधुनिक चरखों पर काम किया जा रहा है, जिससे कामगारों को कम परिश्रम में ज्यादा पारिश्रमिक मिल रहा है। कत्तिन बुनकरों को प्रोत्साहित करने के लिए कुल उत्पादन का 10% अतिरिक्त अनुदान दिया जाता है। ऐसे हमें 5-6 साल हो गए आराम से, पहले पे हम पे तो कुछ भी नहीं, तुम जानते ही नहीं थे। तो जे और लगे रहते हैं जो पुरानी भाई हैं, जो मरे गए चला चला गए, वो लोगों से थोड़ी थोड़ी हम बैठ जाते बगल में, तेने कहे देखना हमें धागे नहीं दिख रहे, ने हमारे धागे जुड़ दो। तो ऐसे हमने धागा चलाना सीख गए, धागा चलाना सीख गए, सो हमने खादी भंडार से कंट्रैक्ट करे, तो उन्होंने हमने मशीन प्राप्त करी, मशीन प्राप्त करके नहीं और खाता खुल गई, सो हमारे पैसे आने चालू हो गए, पैसे आना चालू हो गए। तो थोड़ी सी हमने अपने घर में दुकान डाल ली छोटी सी, वहीं मशीन रख ली गई, मशीन चलाते रहते हैं, दुकानों चलाते रहते हैं। तो खादी भंडार वाले ने कुछ पैसे दे दी, कुछ हमने कमा ली, कुछ खादी भंडार वालों ने दे दी, तो एक छोटी सी गुठरिया बना ली। धागों में बदल चुकी कपास को खादी बोर्ड वापस लेता है और फिर शुरू होता है धागों के ताने बाने बुनने का, जो बुनते हैं रिश्तों का भी ताना बाना। जज्बातों की डोर पर संबंधों को दोचार करना जानते हैं ये कारीगर। हाथों की सफाई की खूबी ये कि ना कोई धागा टूटे ना कोई गांठ छूटे। रिश्तों का ताना और रोजी के इस बाने में देखिए तो बहुत फर्क नहीं है, यहां भी तो इन्हें तागों को ही जोड़ना है। ये देखिए किस तरह एक एक धागा गूंथा जा रहा है और इस तरह पिरोया जा रहा है एक दूसरे में,
कि कपड़े की मुकम्मल तस्वीर बन जाने के बाद धागा तलाशना भी मुश्किल है। दिख रहा है तो सिर्फ कपड़ा, ये बुनकरों की कई कई घंटों की मेहनत का नतीजा होता है। देखिए तो जरा कितना मुश्किल है ये काम, लेकिन कितनी आसानी से दिमाग के साथ आंखें और हाथ पैर दोनों यानी एक ही वक्त में एक तरह से पूरा शरीर काम पर लगा होता है। मिनट भर को हाथ रुका या निगाह हटी तो पूरी मेहनत पर पानी फिरने में देर नहीं लगती। देश के इतिहास के पन्नों में दिखाई दे रही खादी से आज के दौर में हो रहे खादी का निर्माण पूरी तरह आधुनिक हो चुका है। सिंहस्थ नाम है संस्कृति और आस्था के मिलन का। आना तो था 12 साल में, लेकिन तैयारी 6 साल पूर्व से। एक साधना के रूप में की गई इस तैयारी में तन मन धन से समर्पण का रंग भी भरा गया और यही समर्पण महा आयोजन की सफलता का मूल मंत्र साबित हुआ। आयोजन के लिए मुख्यमंत्री और उनकी प्रशासनिक टीम ने योजनाबद्ध तरीकों से किए अथक प्रयास, परिणाम दुनिया भर में इस महा आयोजन को पहचान हासिल हुई। जिन 40,000 के करीब लोगों ने 30 दिन दिन रात मेहनत की है, उनको भी मैं बधाई देना चाहता हूं। मैं उज्जैन वासियों का भी हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं। उन्होंने पूरे विश्व का यहां स्वागत किया, सम्मान किया, अपने मेहमान की तरह सम्मान किया, और इसलिए उज्जैन के मध्य प्रदेश के नागरिक बंधु भी अभिनंदन के बहुत बहुत अधिकारी हैं, उनको भी हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। उज्जैन नगरी धर्म आध्यात्म और ज्ञान की गंगा से सराबोर हो गई। इस धारा में बहते हुए उज्जैन नगरी पूरे एक मास तक दिन रात जागकर मानो महाकुंभ के एक एक पल का रसा स्वादन करती रही। ये शासन प्रशासन की बेजोड़ व्यवस्था का ही कमाल है। प्राकृतिक आपदा का कहर बरपा, लेकिन मुख्यमंत्री और उनकी पूरी टीम ने सिर्फ 24 घंटों के भीतर व्यवस्था ज्यों की त्यों कर दी। क्या उसी रूप में हम किसानों को खेत वापस करें जिस रूप में हमने उनसे लिए थे। उनने बहुत पुण्य का काम किया है, किसान भाइयों का मैं आभारी हूँ। उनके सहयोग के कारण ही सिंहस्थ निर्विघ्न संपन्न हो पाया है, सानंद संपन्न हो पाया है। क्षिप्रा तट पर एक बार फिर जयकारे गूंज उठे और अमृत स्नान की होड़ लग गई। महाकाल का आशीर्वाद पाकर क्षिप्रा के आंचल में सिमट कर हर कोई अपने पाप धो लेने को आतुर हो उठा। 12 साल के लिए विदा ले चुका है सिंहस्थ, लेकिन इसकी आत्म विभोर कर देने वाली स्मृतियां हर दिल में गहराई से अपना स्थान बना चुकी हैं, जो आगामी सिंहस्थ के आयोजन में भी यथावत ही रहेंगी। खादी के कपड़े बनाने तक का सफर तो आपने देखा, अब हम आपको मध्य प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के प्रयासों के बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि बोर्ड खादी में आज के जमाने के मुताबिक किस तरह के बदलाव ला रहा है। मध्य प्रदेश में बोर्ड द्वारा 4 प्रकार के खादी वस्त्रों का उत्पादन किया जा रहा है, सूती खादी, ऊनी खादी, रेशमी खादी और पोली वस्त्र। इनके उत्पादन के लिए बोर्ड के 11 उत्पादन केंद्र प्रदेश के विभिन्न हिस्सों खरगोन, ग्वालियर, टीकमगढ़, बैतूल, मंदसौर, पारड़ सिंगा, छिंदवाड़ा और उज्जैन के ताजपुर के साथ ही कई शहरों में स्थापित हैं। इन केंद्रों पर और घर घर में कत्तिनों द्वारा रुई की पोनी से सूत कताई का कार्य किया जाता है और फिर बोर्ड से जुड़े बुनकर इन धागों से वस्त्र बुनाई का कार्य हाथों से करते हैं। वहीं इन दिनों खादी ग्रामोद्योग बोर्ड बुनाई की ट्रेनिंग देकर बुनकरों को आत्मनिर्भर बनाने का काम जोर शोर से कर रहा है। बुनकरों को लूम भी उपलब्ध करा रहा है, साथ ही लूम को चलाने के लिए जरूरी सहायक सामग्री को भी उपलब्ध करा रहा है और खादी को मोहक एवं आकर्षक बनाने के लिए रंगाई का काम सिखा रहा है। सबसे बड़ी बात, बाजार की मांग को देखते हुए उसके मुताबिक डिजाइंस तैयार करवाने का काम भी कराया जा रहा है। जो लोग बुनाई कर रहे हैं खादी की, उनकी क्षमता बढ़े तो उसके लिए खादी में हमारे पास तरह तरह के प्रशिक्षण होते हैं। दूसरा, ग्रामोद्योग भी खादी का ही एक हिस्सा है, उसमें विभिन्न 3 प्रकार के लोन भी उपलब्ध हैं, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और तीसरा आर्थिक कल्याण। इसके माध्यम से अलग अलग स्तर पर लोन की सुविधा उपलब्ध है। वो जो भी काम करना चाहें अपनी कुटिया में, अपने घर में, कहीं भी, छोटे स्तर से लेके बड़े तक,
एक सीमा है, उस सीमा में वो जो चाहें वो काम कर सकते हैं, वो प्रोडक्शन हो सकता है, वो गृह उद्योग हो सकता है, वो तरह तरह की चीज़ें। हम इस बार जो ट्रेनिंग शुरू करने जा रहे हैं, अब हम खादी ग्रामोद्योग बोर्ड अपने नए कलेवर में आने के लिए, हम इस 2 अक्टूबर से एक तरफ जहाँ प्रधानमंत्री जी मन की बात में खादी को बढ़ा रहे हैं, दूसरे हमारे मुख्यमंत्री जी बढ़ा रहे हैं, तो खादी ग्रामोद्योग बोर्ड ने कमर कस ली है कि वो हर स्तर पे अपने बोर्ड की गतिविधियों को ऊंचाइयों तक ले जाएगा। मध्य प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड देश दुनिया में खादी को ऊंचाई तक ले जाने के लिए निरंतर प्रयासरत है, जिससे जन जन तक खादी पहुंचे और गरीब बुनकरों और कारीगरों का उत्थान हो सके। इतना ही नहीं, खादी को हमारे देश के प्रधानमंत्री भी पूरे विश्व में पहचान दिलाने के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। ग्रामोद्योग बोर्ड ग्वालियर के सहयोग से सबलगढ़ के जावरौल में ग्रामीणों के लिए घरों पर लूम लगाए गए हैं, जहां पर खादी की बुनाई की जा रही है। ऐसे ही लूम मध्य प्रदेश के कई जिलों में बोर्ड द्वारा लगाए गए हैं, जिससे लोगों को रोजगार मिल रहा है। हमारे घर में कोई नहीं है, खेती बाड़ी है नहीं है, हमारे पास कुछ भी है नहीं है, तो मैं भी चलाती हूँ। हमारे हस्बैंड भी मेरी मदद करते हैं, वो भी चला लेते हैं। मैं काम करती हूँ, खाना पाना बनाती हूँ, तो हम भी चलाते हैं, इसलिए भी मेरी मदद कर देते हैं, तो इसलिए 40-42 भी गुंडी आ जाती हैं। ये काम हम कम से कम 15-20 साल से कर रहे हैं, और इसके गिर्रा भी बत्ती हैं, बाबिन भी बत्ती हैं, कभी कभी घर पर नहीं होते तो हम भी बुन लेते हैं, हम भी काम करते हैं। एक साथ मिलजुल कर काम करने से कारीगरों में परस्पर सद्भाव प्रेम का संचार हो रहा है, आर्थिक रूप से मजबूत होने की दिशा पर कदम बढ़ाया जा रहा है। खादी आज स्टेटस सिंबल भी बन चुकी है, हिंदुस्तानियों की आन बान शान का रूप ले चुकी है, जो एक एक धागे से मिलकर उसका कपड़ा बनने तक और फिर आकार मिलने के बाद इसे बाजारों तक पहुँचाने की एक लंबी यात्रा है, वो यात्रा जो यहाँ से शुरू होकर आगे बढ़ती देखी जा रही है। ये यात्रा आज महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच रही है, जब खुद प्रधानमंत्री खादी को जन जन तक पहुंचाने के लिए देश के नागरिकों से आह्वान कर रहे हैं। मुझे यहाँ का मटेरियल एंड डिजाइन्स, ब्लॉक प्रिंट में जो आ रहा है या खादी में आ रहा है, वो अच्छे लगे, तो वो ऑफिशियल वेयर के लिए भी अच्छा है और खादी ऑल सीजन के लिए अच्छा होता है। तो उसी के साथ साथ सिल्क साड़ियाँ भी देखी, जबकि मुझे अंदाज़ा नहीं था खादी में सिल्क साड़ी भी मिलेगी, बट उसकी रेंज भी बहुत अच्छी है। प्लस वो खादी हम कहीं जा रहे होते हैं पार्टीज़ में भी हम कैरी कर सकते हैं, ऑफिशियल भी कैरी कर सकते हैं, मल्टीपर्पज़ उसको यूज़ करा जा सकता है, और खादी थोड़ा सा रॉयल लगता है, दैट्स वाई मैं खादी यूज़ करती हूँ। सिंहस्थ नाम है संस्कृति और आस्था के मिलन का, आना तो था 12 साल में, लेकिन तैयारी 6 साल पूर्व से। एक साधना के रूप में की गई इस तैयारी में तन मन धन से समर्पण का रंग भी भरा गया, और यही समर्पण महा आयोजन की सफलता का मूल मंत्र साबित हुआ। आयोजन के लिए मुख्यमंत्री और उनकी प्रशासनिक टीम ने योजनाबद्ध तरीकों से किए अथक प्रयास, परिणाम दुनिया भर में इस महा आयोजन को पहचान हासिल हुई। जिन 40,000 के करीब लोगों ने 30 दिन दिन रात मेहनत की है, उनको भी मैं बधाई देना चाहता हूं। मैं उज्जैन वासियों का भी हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं, उन्होंने पूरे विश्व का यहां स्वागत किया, सम्मान किया, अपने मेहमान की तरह सम्मान किया। 12 साल के लिए विदा ले चुका है सिंहस्थ, लेकिन इसकी आत्मविभोर कर देने वाली स्मृतियां हर दिल में गहराई से अपना स्थान बना चुकी हैं, जो आगामी सिंहस्थ के आयोजन में भी यथावत ही रहेंगी। बोर्ड के प्रयासों से अब न सिर्फ खादी में 70 और पोली खादी में 100 अंकों के धागे के कपड़े बनते हैं। सुपर फाइन क्वालिटी की गुणवत्ता पूर्ण सलवट रहित और कलफ रहित कबीरा ब्रांड के डिजाइनर कपड़े बाजार में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मैं मध्य प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के उपाध्यक्ष के नाते ये बात कह सकता हूँ कि हमारा मध्य प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड जो है, वो खादी के उन्नयन के लिए भी, ग्रामोद्योग में जो ग्राम स्तर पे उद्योग लगाए जा सकते हैं, उन सब उद्योगों की उन्नति के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, लगातार तेज गति से काम कर रहे हैं। हर्बल डाइंग, रिंकल फ्री, सॉफ्ट एंड स्टिक फिनिश टेक्नोलॉजी का उपयोग कर खादी को लोकप्रिय बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इतना ही नहीं,
अब खादी की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए टेस्टिंग लैब भी स्थापित करने की तैयारी की जा रही है, जिससे दोष रहित खादी आम जनता तक आसानी से पहुंच सके। ये खादी कोई वस्त्र का नाम नहीं है, खादी एक विचार है, दर्शन है, हिंदुस्तान के ग्रामीण जीवन शैली जो है उसका आधार है। और खादी ग्राम उद्योग बोर्ड खादी के लिए लगातार जन जागरण कर रहा है, प्रचार कर रहा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भी आह्वान किया है कि हमारे जीवन में उपयोग में आने वाली वस्तुओं में एक कपड़ा हम खादी का जरूर खरीदें। खादी का अर्थ यही है कि खादी हमारे मध्य प्रदेश के, देश के बेरोजगार नौजवानों के हाथ से बनने वाला कपड़ा है, एक विचार है, एक दर्शन है। और इसके विस्तार के लिए, जन जन में जागरण करने के लिए स्वरोजगार सम्मेलन भी हम करने वाले हैं, शिविर भी हम चालू करने वाले हैं, प्रशिक्षण के केंद्र भी चालू करने वाले हैं। मध्य प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का उद्देश्य है कि खादी वस्त्र यूजर फ्रेंडली, इको फ्रेंडली और कॉस्ट इफेक्टिव की बदौलत जन जन तक पहुंचे। मैं खादी ग्रामोद्योग विभाग को, मंत्री जी और उनकी टीम को बधाई देता हूँ कि हमारे बुनकर और हमारे धातु का काम, धातु शिल्पी जो हमारे कलाकार हैं, वो अपने परिश्रम से, अपने मेहनत से, अपने खून पसीने से, अपने हुनर से अनेकों प्रकार के गुणवत्तापूर्ण उत्पाद बना रहे हैं। और विंध्या वैली का जो हमारा उत्पाद है वो भी हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप और छोटे छोटे भाई और बहन जो आमतौर पर आर्थिक दृष्टि से काफ़ी पिछड़े हुए हैं, वो उत्पादित करने का काम कर रहे हैं। आज के दौर में जहाँ लोग आधुनिकता की दौड़ में अपने परंपरागत तौर तरीकों को भूलते जा रहे हैं, वहीं लोगों में खादी के प्रति लगाव और झुकाव बढ़ता जा रहा है। जबकि अब खादी ने भी आधुनिकता की रेस में हिस्सा ले लिया है। युवाओं में खादी की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए फैशन शो भी बोर्ड द्वारा आयोजित किए जाते हैं, जिसका प्रभाव खादी ग्रामोद्योग एम्पोरियम पर बिकने वाले कबीरा ब्रांड पर देखा जा रहा है। खादी को हम दें सम्मान, देश हमारा बने महान। आज हमने आपको देश के गौरव और सम्मान के प्रतीक खादी के उन पहलुओं को दिखाया जिनके बारे में शायद आपको भी पहले जानकारी नहीं होगी। उम्मीद करते हैं कि आप भी खादी को उतना ही सम्मान देंगे जितना सम्मान खादी को देश की स्वतंत्रता के समय मिला था। शायद आपके एक छोटे से प्रयास से खादी से जुड़े कत्तिन और बुनकरों को निरंतर रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।